शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से। अरे इतनी सी भी शर्म नहीं है तुम्हें? तुम और राज अबे! हिम्मत कैसे हुई तेरी कीर्ति से बात करने की? वो भाभी है तेरी, वो चाहे कुछ भी करे तुझे कोई हक नहीं बनता है उससे इस तरह बदतमीजी से बात करने का। मुझ पे हाथ नहीं उठा सकती। अबे ये क्या किया तुमने? बुआ जी आप मुझे क्यों बोल रही हैं? इन दोनों को बोलिए ना, इसने मम्मी के साथ बदतमीजी की और ये उसे रोकने के बजाय उल्टा मुझ पे हाथ उठा रहा है। चाची ने मेरी मम्मी को जोर बोला, ये दिखाई नहीं दे रहा तुझे? वैसे कीर्ति ने क्या गलत बात करी? हाँ मेरी मम्मी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। और तू कब से अपनी बीवी का इतना सगा हो गया? हाँ भूल गया उसकी हरकतें? भूल गया राज? अबे जबान संभाल के बात कर रहा हूँ। बस कीजिए आप दोनों, प्लीज छोड़िए, क्या कर रहे हैं, छोड़िए। दीदू आज आप बीच में नहीं आएंगी। ये क्या कह रही है तू कीर्ति? तू झगड़ा खत्म कराने की जगह तू उसे और बढ़ा रही है। अबे चल पागल हो गया क्या? तेरा बड़ा भाई है वो। अरे भाई साहब ये संस्कार ही है जो आज की पीढ़ी में हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। कीर्ति जो मम्मी के साथ ऊंची आवाज में बात कर रही थी वो आपके लिए अच्छे संस्कार है ताई जी। तो क्या करती, चुपचाप सुनती रहती कि कैसे चाची जी हम पे इल्जाम लगाई जा रही है? कीर्ति चुप कर जा प्लीज। अरे जब से ये कीर्ति गज भर लंबी जुबान लेके इस घर में आई है तब से हर लड़ाई का कारण यही है। बस तनुजा आप हमारी बहू के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। वाह भाभी अब तक तो आप ही अपनी बहू के खिलाफ बोल रही थी, तो अब क्या हो गया? मम्मी जी बस कीजिए ना, बात को यहीं खत्म करते हैं। मम्मी को क्यों रोक रही हो जब गलती इन लोगों की है? अभी कुछ देर पहले तूने अपने बड़े भाई को पिता का सम्मान दिया है, पिता से ऐसी बात करते है क्या? माफी मांगो। एक मिनट, अभय का है माफी मांगेगा? आप चुप करिए। हाँ हाँ एक तो चोरी उसके ऊपर से सीना चोरी और माफी हम ही मांगे। तनुजा आपने कहा कि हमने चोरी की है? नहीं ताई जी, मम्मी जी का वो मतलब ही नहीं। चुप रहिए श्रद्धा, आप बीच में मत बोलिए। आज आपके मन में जो भी है ना बोल दीजिए। भाभी हम क्या गलत बोल रहे हैं? आप जानबूझ के जेवर पता नहीं कहाँ रख दिए और हमें दे नहीं रही हैं, तो हम और क्या समझे? बस कीजिए तनुजा, आपने तो सारी हदें ही पार कर। माता रानी ने हमें इतना दिया है कि कभी आपके सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। चोरी करना तो दूर की बात है। हाँ, अगर चोरी नहीं करते तो आप और आपकी बहू हमें इतना कुछ नहीं सुनाते। कीर्ति प्लीज इस झगड़े को खत्म करने में मेरी मदद कर। अगर आपकी आंखों में इतना खटक रहा है ना दीदू, तो अपनी सास को बोलिए चुप रहने, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की थी हमने नहीं। अरे बस कीजिए आप लोग, बस कीजिए। हम लोग को शर्म नहीं आती एक दूसरे पे ऐसे चिल्लाते हुए? कम से कम आज के दिन तो झगड़ा मत कीजिए। आज दिलीप भैया की 13वीं है और आप जब नैना भाभी बोल रही है कि उनकी अलमारी में वो कंगन नहीं है तो आप अपनी अलमारी में क्यों नहीं देखती? ठीक है तो आप लोग चलिए और देखिए कि सच कौन बोल रहा है, खुद आइए और देख लीजिए। आइए हमारे साथ। ये देखिए आप, दिख रही है आपको वो कंगन? नहीं ना, ये भी दिखाते हैं। ये देखिए है, दिख रहे हैं आपको हमारे माँ की कंगन? नहीं दिख रहा है ना? मम्मी वो उधर कोने में देखिए, वहां पर कुछ तो है।
तनुजा, यही है ना वो कंगन जिसकी चोरी का इल्जाम आप हम पे लगा रही थी? मिल गई आपको शांति? सबको ना बस हमारी गलती दिखती, पर चाची जी जानबूझकर हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, वो किसी को नहीं दिख रहा। नहीं कीर्ति, मम्मी जी ने ये जानबूझकर नहीं किया, छोटी सी गलत फहमी हो गई है ये। गलत फहमी अगर होती ना दीदू, तो माँ को ये चोर नहीं कहती। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप इस घर की बड़ी है ना, आप प्लीज हमें अपना समझकर माफ कर दीजिए। श्रद्धा, तुम हमारी तरफ से माफी काहे मांग रही हो? बस तनुजा, अब हम आपसे और कुछ नहीं सुनना चाहते। ताई जी प्लीज, प्लीज ताई जी, बात को यही शांति से खत्म करते हैं ना। आज आपने और आपके बेटे ने मेरा सर शर्म से झुका दिया है, राय का पहाड़ बना दिया आपने, और अभी तक माफी किसी ने नहीं मांगी। अरे हम तो क्यों हो रहा है ये सब? मैं इस परिवार को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती, इस परिवार में दरार पड़ते हुए नहीं देख सकती। दरार तो आ चुकी है माँ, और ये उन लोगों की बनाई हुई है जो हर रोज हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हम पे हजार इल्जाम लगाते हैं। और वरुण जी, आप तो इस घर के बड़े बेटे, फिर भी सारी जिम्मेदारी छोटे बेटे को दे दी गई। उस घर में जहां हमारी इज्जत नहीं है, हम कैसे रहें? थक चुके हैं, जब से दिलम जी गए थक चुके हैं, अब ना कुछ कह सकते हैं, ना ही कुछ करने की क्षमता है अब हम में। सुन, संभालिए अपने आप को। नहीं माँ, हम हार नहीं मान सकते, बहुत हो गया। श्रद्धा, क्या हुआ? इसे तोड़िए और अब इसे तोड़ कर दिखाइए। श्रद्धा, आज तुमने हमें हमारी अम्मा की याद दिलाई। वो कहा करती थी कि जब रिश्ता अकेला हो तो टूट जाता है, लेकिन जब पूरा परिवार एक साथ हो तो उसकी मजबूती पर किसी का जोर नहीं चलता। लेकिन हमारा घर टूट रहा है बुआ जी, रोज रोज हमारे घर में छोटी छोटी बातों पर हम झगड़ते रहते हैं, और वो भी आज ताऊ जी के 13वीं वाले दिन भी। ताऊ जी नहीं कहा था ना कि उनके जाने के बाद हम सिर्फ उनकी अच्छी यादें, खुशियों भरे पल याद करें, पर आज हमारे बीच सिर्फ बंटवारा होता जा रहा है। मम्मी जी, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, पर आप ही ने मुझे बताया था ना कि ताई जी ने हर सुख में दुख में आपका साथ दिया है। जब आप बीमार थी तो ताई जी ने अपनी नींद भुलाकर आपके सर पे पट्टी रखी थी, दिन रात आपकी सेवा की थी, आपके पैर तक दबाए थे। जब घर का कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो उस दुख में पूरा परिवार एक साथ होता है, मगर हम
हम तो बस टूटते चले जा रहे हैं। ताऊ जी ने बहुत भरोसा करके हम पे ये जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन आज आज हमने उनके इस भरोसे का अपमान कर दिया। तुम ये गाड़ी में रखो, मैं आके सामान लेके आता। भाई छोटे भाई को माफ कर दे यार, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। तूने मुझे मारा बहुत सही किया, पर मुझे माफ कर दे यार, माफ कर दे भाई। ताई जी आप लोग कहीं जा रहे हैं? रोज रोज के तमाशों से हम थक चुके हैं, थोड़ी देर दूर रहकर मन को शांत करना चाहते हैं। कल तक लौट आएंगे। ताई जी चलिए वरुण, रास्ते से हमें कियारा को भी लेके जाना है। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे वो? पता नहीं, मुझे कुछ बताया नहीं, बस यही बोल रहे थे कि आज के लिए कहीं जा रहे हैं, हमें उन्हें रोकना चाहिए। चलिए जी। श्रद्धा, रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, आज जो हुआ उसके बाद हम और नहीं सुन सकते। ताई जी, मैं आपको रोकने नहीं आई हूं, आपने जो भी फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है। कुछ दिन बाहर रहने से माहौल बदलेगा, हवा पानी के बदलने से हमको भी अच्छा लगता है। मैं आपको नहीं रोकूंगी ताई जी। यही सही मौका है हमारे लिए सोनिया। श्रद्धा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? बुआ जी, अब वक्त सिर्फ मुश्किल सुलझाने का नहीं, बल्कि पुरानी सारी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करने का है। जब वो यहाँ वापस लौटे तो उन्हें ऐसा स्वागत मिले कि वो पुरानी सारी कड़वाहट भूल जाएं। हम उनके घर के दहलीज को बिल्कुल गृह प्रवेश की तरह सजाएंगे, बिल्कुल जबरदस्त स्वागत करेंगे उनका, और पूरा परिवार साथ मिलकर खाना खाएंगे। श्रद्धा, इससे तो नैना भाभी बहुत खुश हो जाएगी। बुआ जी, नैना कीर्ति की पसंदीदा कपकेक्स बना रही, इसे देखते ही वो अपना सारा गुस्सा भूल जाती है। और हम नैना भाभी के लिए उनका मनपसंद खीर बनाएंगे। क्योंकि भाभी के लिए असली खीर वही है जो काजू और बादाम से भरी हो और खास हमारे हाथ की हो। अच्छा,
अच्छा बुआ जी, मैं क्या सोच रही हूँ, आज आप कुछ और बना लेंगी, क्योंकि ताई जी की वो मनपसंद पनीर मसाला ना मैं बना रही हूँ। वाह, मतलब सास बहू ने मिलकर ना आज हमें ही पीछे छोड़ दिया। हाँ ऋतु, आप ना एक काम करिए, आप बस कचरिए, क्योंकि आप तो वही सबसे अच्छा करती हैं। भाभी श्रद्धा, आप यहाँ बैठो। अभय, अभी टाइम कहाँ है, बाहर भी कितनी सारी सजावट करनी है हमें। बैठो। आप ठीक लग रहा है? थैंक यू। किस लिए? वरुण जी से माफी मांगने के लिए। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, मेरी अकल ठिकाने लगाने के लिए। बस अबे, सब जल्दी से ठीक हो जाए। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक ही होगा। तुम्हारा आइडिया ना मुझे लगता है जरूर काम करेगा। तुम देखना, ताई जी और भाई दोनों का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। बस तुम अपनी बहन को संभाल लेना, उसका दिमाग इधर उधर बहुत भागता है। अब क्या गलत काम वो है ही ऐसी वो। अच्छा ठीक है अभय, अभी हमारे पास बहुत सारा काम है, चलिए। अरे बैठो, थोड़ी देर और बैठो। अभय, हमें ना बहुत सारी तैयारियां करनी है और वक्त बहुत कम है। आप एक काम कीजिए, आप ना बाहर की सारी तैयारियां देख लीजिए, मैं बाकी सब देख लेती हूँ। चलिए अभय। माता रानी, एक बार फिर से हमारा यह त्रिपाठी परिवार पहले की तरह एक हो जाए। मम्मी जी, आप देखिएगा, कीर्ति मेरे हाथ का मफिन बना हुआ देखेगी ना तो अपना सारा गुस्सा यूं भूल जाएगी। अरे हमने पहले से ही खीर बना के टेबल पे सजा दिया है, ताकि नैना भाभी अपने पसंद का मीठा खाकर सारी कड़वाहट भूल जाए। हाँ मैंने तो भाई और मेरे लिए कल के क्रिकेट मैच की पासेस भी ले ली हैं, हम तो अलग से मजे करेंगे। हाँ भाई, मुद्दत हो गई तुम दोनों के एक साथ क्रिकेट मैच देखे हुए। दादू, मैंने कियारा दी के लिए नया डॉल हाउस लिया है और बहुत सारे गिफ्ट भी सजाए हैं। अरे वाह, कियारा दी को पसंद आएगा ना? बिल्कुल पसंद आएगा, आप दोनों इतने प्यार से सजाए कियारा के लिए, और वैसे भी खेलना तो आप तीनों को ही है ना। हाँ, और आज आप तीनों जी भर के खेलना, और पढ़ाई से छुटकारा तो आपको सबकी सोने आंची दिलवाई। चलो चलो। सारी पुरानी बातों को भुलाकर अब एक नई शुरुआत करते हैं। हम सबको पहले से बता दे रहे हैं, अगर अब किसी ने झगड़ा किया ना तो उसके मुंह पर टेप चिपका देंगे। सही कह रहे थे। बस ये लो, आ कब रहे, कुछ बताया उन्होंने? पापा ऐसा कुछ तो बताया नहीं है, पर हाँ मैं एक बार भाई को फोन करके पूछ लेता हूँ। हाँ, भाई फोन ही नहीं उठा रहा है। मैं एक काम करती हूँ, कीर्ति को फोन करती हूँ। कीर्ति भी फोन नहीं उठा रही है, क्या हो गया है सबको? अरे आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे? फोन कहीं शायद इधर उधर रख दिया होगा, या पर्स में होगा या पॉकेट में होगा। आ जाएंगे।
जी वाह, कितनी अच्छी सजावट की है आप लोग सब। मुझे नहीं पता था कि घर के नई मालकिन के लिए यानी कि मेरे लिए आप लोग ऐसा करेंगे। ये क्या नया तमाशा शुरू कर दिया है तुमने रागिनी? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम खुद को इस घर की मालकिन कह रही हो? आवाज नीची करके बात करो श्रद्धा। तुम्हारे भाई और तुम्हारी बहन ने मिलकर आप लोग सबका ये घर मेरे नाम कर दिया है। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।